बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो तकरीबन 10 लाख से ऊपर जो हमारी कोरोना फोर्स के टाइगर्स जिन्होंने वॉलंटियर किया, जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे फैसला किया कि हमारी मदद करेंगे, मेरी मदद करेंगे, मैं आज सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो फोर्स, टाइगर फोर्स यानी जो वॉलंटियर फोर्स, क्यों मैंने फैसला किया कि हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए कि जो पाकिस्तान के सामने चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्यों है? चैलेंज इसलिए है कि एक दुनिया के अंदर पेंडेमिक जिसे कहते हैं, एक ऐसी वायरस निकली जिसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर वो कदम उठाने पड़े जो कोई पिछले 100 साल में किसी मुल्क को नहीं उठाने पड़े, मतलब कि लॉकडाउन करना पड़ा। ये जो वायरस के फैलने से इसको रोकने के लिए जो लॉकडाउन किया, सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से हैं। और इस लॉकडाउन की वजह से जो असरात आम आदमी के ऊपर गए, गरीब लोगों के ऊपर गए, तनख्वाहदार पे गए, जो दिहाड़ीदार था, जो छोटे लोग थे, जो छाबड़ी वाले थे, ये सारा एक बहुत बड़ा तबका मुतासर हो गया। मुतासर तो सफ़ेदपोश भी हुए, लेकिन नीचे सारा एक तबका इस लॉकडाउन की वजह से मुतासर है। हमारा तो एक मुल्क पहले मुश्किल में था, लेकिन अमीर मुल्कों के अंदर भी बहुत बड़ा मसला आ चुका है। और बरतानिया जैसे मुल्क में उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने अपील की वॉलंटियर फोर्स की, और बरतानिया में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने वॉलंटियर करने का अपने आप को रजिस्टर करवाया। तो मकसद इस वॉलंटियर फोर्स का ये है कि एक मुश्किल वक्त में कौम को उन लोगों की ज़रूरत है जो मदद कर सकते हैं, रज़ाकाराना तौर पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी इतने वसाइल नहीं, इतने लोग नहीं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करें और फिर खाना भी बांटें और फिर मस्जिदों के ऊपर भी देखें कि SOPs के ऊपर लोग चल रहे हैं, और जो आगे आने वाला वक्त है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें ये वॉलंटियर्स जो आप सब ने वॉलंटियर किया, एक मुल्क जहाद लड़ रहा है एक मुश्किल वक्त के लिए, तो मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब शौकत आनम कैंसर हॉस्पिटल के लिए मैं पैसे इकट्ठे करने निकला तो बहुत ज़्यादा पैसा था, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं इतना ज़्यादा पैसा कैसे इकट्ठा करूँगा। तो तब एक किसी ने कहा कि ये स्कूल के बच्चे जो हैं, इनको आप अपने साथ मोबिलाइज करें, क्योंकि मैं उन दिनों में क्रिकेट खेलता था और जो स्कूल के बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा मुझे फॉलो करते थे क्रिकेट की वजह से। तो मैंने एक इमरान टाइगर फोर्स निकाली, और ये हमारे स्कूल के बच्चे थे जो कि फिर टाइगर्स बने, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए। नाइस सिर्फ उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन जब वो पब्लिक के अंदर गए पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो जो पब्लिसिटी मिली, उस पब्लिसिटी की वजह से हम आखिर में इतना पैसा इकट्ठा कर सके कि पाकिस्तान का पहला एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल बना सके, और वो हॉस्पिटल जो आज तक 75% कैंसर के मरीज उनको मुफ्त इलाज कर रहा है, और याद रखें सबसे महंगा कैंसर का इलाज है। तो मैं सिर्फ इसलिए कर सका कि मेरे साथ स्कूल के बच्चे एक वॉलंटियर फोर्स बने, और वो जो टाइगर फोर्स थी इसलिए कामयाब हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और एक टाइगर फोर्स आज इकट्ठा करते हैं, हमारी मुल्क की मदद करें इस मुश्किल वक्त में। तो अब आपके लिए मेरा जो आज पैगाम है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। हम क्यों लॉकडाउन को खोल रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से,
नौकरियां चली गई हैं। वो तबका जो कि सिर्फ दिहाड़ीदार थे, जो गुजारा करते थे, जो पैसा आता था उससे बच्चों का पेट पालने से, वो सब मुश्किल में पड़ गए। तो इसलिए जो हम जब लॉकडाउन खोलेंगे तो ताकि लोगों को नौकरियां मिलें वापस, लेकिन हमें पता है कि अगर हमने ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए, और जो हम SOPs यानी जो शरायत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि अब थोड़ी लेवल हो गई है। तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। लिहाजा मैं आप सब से ये उम्मीद रखता हूँ कि आपने फिर अपने यूनियन काउंसिल्स के अंदर, मोहल्लों के अंदर, जिधर जिधर आपकी लोकेशन है, आपने फिर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है, आपने पब्लिसाइज करना है कि SOPs क्या है। जिस तरह मस्जिदों के अंदर हमने कहा हुआ है, शरायत रखी हुई है कि अगर तरावियाँ पढ़ने जाना है तो, या मस्जिदों में जाना है आपने, तो वो फासले रखने हैं आपस में, और फिर कई और हमने शरायत रखी हुई है। तो ये वॉलंटियर्स का, ये टाइगर्स का काम होगा कि लोगों को आगाह करें कि ये अगर मस्जिद खुल रही है तो आपने मस्जिद में जाना है, तो ये आपने इन शरायतों पे अमल करना है। अगर दुकानें खुल रही हैं तो तब आपने क्या करना है, अगर फैक्ट्रियां खुल रही हैं तो आपने लोगों को आगाह करना है इस चीज़ पर। हालांकि ये जब हम खोलेंगे फैक्ट्रीज और दुकानें और सब चीज़ें, तो इसमें जिम्मेदारी जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसकी ज़िम्मेदारी होगी, जो दुकान चलाता है उसकी ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन आवाम के अंदर हमारे टाइगर फोर्स जाके लोगों को आगाह करेगी। सबसे बड़ी तो ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज अब होगा कि एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाएं, और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि लोग बेरोज़गारी से, भूख से ना मरें, तो उनके लिए रोज़गार भी हो और फिर कोरोना से भी बचाएं। इस बैलेंस के लिए आप टाइगर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस कैंपेन करें, लोगों को आगाह करें कि किन शरायत के मुताबिक हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं पहले कह चुका हूँ, मस्जिदें, इनके अंदर यूटिलिटी स्टोर्स, मैं भी कहूँगा भी हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन बैठे हुए हैं, मैं उसके डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को यहाँ बैठाया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशन के लोग जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी हमारे टाइगर्स बने हैं। तो ये डॉक्टर मिर्ज़ा को कहूँगा कि आपको गाइड करें यूटिलिटी स्टोर्स के, ज़ुल्कनैन आपको बताएंगे चेयरमैन, कि उनके अंदर आपने कैसे क्या चीज़ देखनी है जाके यूटिलिटी स्टोर्स पे। मैं चाहूँगा कि उस्मान डार आपसे मुख्तसर बात करें कि जो इन्होंने सियालकोट के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट किया है वॉलंटियर्स के साथ, टाइगर्स के साथ, ये तो वो उसकी भी बात कर सकते हैं। तो नंबर वन चीज़ कि टाइगर फोर्स एक वॉलंटरी फोर्स है, आपने कहीं पैसे इकट्ठे नहीं करने हैं, आपका काम ये नहीं है, आपको कोई तनख्वाहें नहीं मिल रही, आप एक जिहाद लड़ रहे हैं हमारे साथ मिलके, और आप ज्वाइन करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके आप काम करेंगे। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सबसे जो एक बड़ा प्रोग्राम हमने लॉन्च किया 2 दिन पहले, वो है कि हम जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, जो इस लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोज़गार हुए हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है आपने। तो मैं आप जो यूनियन काउंसिल का ऑफिस होगा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो उस ऑफिस में वो एक डेस्क बनाएगी और उधर आप लोगों को रजिस्टर करेंगे, जो लोग बेरोज़गार हुए हैं। लोग खुद भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो जो वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करने की फॉर्म भरनी है, वो शायद ज़्यादा लोग ना कर सकें, इसलिए आप में से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया है, तो आप उनकी मदद करें ताकि वो रजिस्टर करें, और फिर हम उनको एक फिल्टर करके अपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो नादरा के डेटाबेस है उनको फिल्टर करेंगे कि बाकी वो मुस्तैक हैं, और उनके बाद वही कैश
ट्रांसफ़र करेंगे जो कि आप अभी एहसास प्रोग्राम की कैश ट्रांसफर्स कर रहे हैं, मॉनिटर करेंगे और हमें फीडबैक देते रहेंगे। इसके अलावा जो मैं आप सबसे ये उम्मीद लगाता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स का मैं आपको बता बैठा हूँ, आपने कहीं भी ज़खीरा अंदोज़ी देखी, आपने देखा कि लोग गंदम को या और भी खाने पीने की चीज़ों की ज़खीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ये कानून के ख़िलाफ़ है। आपने ख़ुद एक्शन नहीं लेना, आपने जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है एक्शन लेने के लिए। ये जो भी लोग ये गैर कानूनी चूज़ कर रहे हैं, ज़खीरा अंदोज़ी से वो होता क्या है कि कीमतें ऊपर चली जाती हैं और उससे क्या होता है कि जो हम कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं आम लोगों के लिए, उनकी मदद करने के लिए, तो जब चीज़ें महंगी होगी उनके हाथ से जो पैसा होगा वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकेगा। इसलिए ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी टाइगर फोर्स है वो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी चेक कर सकती है क्या हो रहा है उनके पास, आप नंबर दे देंगे उनको, टाइगर्स को आप सबके पास नंबर होना चाहिए ताकि आगे बता सकें कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स ठीक तरह फंक्शन कर रहे हैं और क्या जो हमारी कोशिश है कि मुस्तहिक लोगों की मदद की जाए, क्या यूटिलिटी स्टोर्स वही कर रहे हैं या वहाँ से कोई फ़ायदा उठा रहा है जिस तरह माजी में देखा गया। आखिर में मैं आपका सबका टाइगर्स का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने वॉलंटियर किया और एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है। जो मैं चाहूँगा कि आपने लोगों को ख़ास तौर पे जो मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत तब है जैसे जैसे ये लॉकडाउन हम खोलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस करें कि SOPs यानी जिन शरायत के मुताबिक ये लॉकडाउन खोला जाएगा उसके ऊपर अमल किया जाए। वो ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमने सही माने में अमल कर लिया तो हम अपने मुल्क को बड़े मुश्किल वक्त से निकाल सकेंगे। मतलब ये कि एक तरफ हमें खौफ होगा कोरोना का तो उससे भी बचा सकेंगे और दूसरी तरफ जो हमने नौकरियां दे रही हैं लोगों को, जो हमारी जो इकोनॉमी के जो पहिया चलना शुरू होना है ताकि लोगों के हालात बेहतर हों, जो लोग घर बैठे हुए इस वक्त जिनके पास कोई काम नहीं है और पैसा नहीं है, तो उन सब के लिए अगर हमने आसानी पैदा करनी और इकॉनमी भी चलानी है लॉकडाउन कम करके, फिर कोरोना से भी लोगों को बचाना है, उसमें आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप लोगों को आगाह करें, बताएं ये शरायत क्या है, ये क्यों लोगों ने इकट्ठे नहीं होना, क्यों लोगों ने इन SOPs के ऊपर अमल करना है, क्योंकि आप इन सब की बेहतरी है, हम सब कौम की बेहतरी है कि अगर हम ये बैलेंस रख सकें कि कोरोना से भी लोगों को बचा सकें और साथ लोगों की नौकरियां भी मिले और कारोबार भी चलना शुरू हो। और आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन का मैं कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने ये टाइगर फोर्स को बड़ी अच्छी तरह ट्रीट करना है, इनकी हिफाजत करनी है, ये आपकी मदद करने के लिए आए हैं और इनसे अगर आपने काम लेना है, जितना आप इनको कोऑप्ट करेंगे, इनको इंस्पायर करेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे, उतना ही बेहतर ये इस मुल्क का वो काम करेंगे। जो हमारे पास इतनी फोर्स है ही नहीं सारे पाकिस्तान में कि जिस तरह का चैलेंज है, हमें ज़रूरत पड़ेगी वॉलंटियर्स की अपनी टाइगर फोर्स की। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे ख़ास तौर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने बड़ा ध्यान रखना है और इनको साथ लेके चलना है। शुक्रिया।